नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल, में हूं आकाश। जी हां, नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की खास प्रोग्राम में आज बात होगी कुछ पशु और पक्षियों से जुड़ी। जी हां, इनके रोजाना की अगर हम कुछ छोटे छोटे उपाय इनके साथ करते हैं तो हमें लाभ जरूर होता है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि हमारी गली में, हमारे घर में या आसपास कहीं भी कुत्ता या गाय घूमते रहते हैं। आज हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे आखिर उनको क्या क्या चीज खिलाने से या फिर कुछ कुछ उनको डालने से या फिर वास्तु दोष का शिकार आप इनसे नहीं हो सकते हैं। तो कुछ आसान से उपाय, या यूं कहें कि आसान से टोटके आप करके बहुत जल्द माला माल बन सकते हैं। तो चलिए आपको बिना देरी किए बताते हैं आखिर कौन से हैं वो पशु पक्षी से जुड़े आसान उपाय। गाय को हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्ता दी गई है। आप अगर गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन समृद्धि और शांति भी बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होगी, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भंडार आपके जीवन में, आपके घर में जरूर होने लगेगा। वहीं आपको बता दें, अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने घर में कुत्ता भी पालते हैं और ऐसा माना जाता है कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी जरूर आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। वहीं पितृपक्ष में कौए को मीठी रोटी खिलानी चाहिए, इससे आपके पितृ जो हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल देने लगेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब कौए को भोजन कराने से सभी तरह के पितृदोष, कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है और ये आसान उपाय करके आप इतने भयंकर दोष से बच सकते हैं। वहीं कौए को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है, शनि भगवान भी काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, रोजाना पक्षी को दाना खिलाने से व्यापार नौकरी में लाभ होता है, घर में खुशियां बढ़ती हैं और व्यक्ति समृद्धि के द्वार सारे उसके खुल जाते हैं। यदि आप व्यापार कारोबार करते हैं तो आप अपने काम पर जाते समय रोजाना या अपने घर की छत पर या बालकनी में या बाहर कहीं भी जाकर पक्षियों को दाना खिलाएं। दाना खिलाने से आपका व्यापार कारोबार काफी तेजी से चलने लगेगा। वहीं चींटी को अगर आप शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त होता है, ऐसा माना जाता है। हमारे घर में या हमारे बाहर कहीं भी चींटियों का झुंड आपको दिख जाए तो उसको आप शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। छोटी छोटी गोलियां अगर आप उनको खिलाते हैं तो लाभ जरूर होता है, साथ ही आपके जीवन में तरक्की होने लगती है। वहीं आपको बता दें, मछली को खिलाने से समृद्धि भी जीवन में बढ़ती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आप कबूतरों को चावल डालें, ऐसा माना जाता है। अगर आप समाज में अपना सम्मान चाहते हैं, अपना मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो कबूतरों को आप चावल खिला सकते हैं। वहीं शनिवार से बाजरा डालना इसके लिए काफी ज्यादा शुभ हो जाता है और ये आसान उपाय करके आप काफी ज्यादा माला माल बन सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।